माय चैनल, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। मैं हूं आशु और आप देख रहे हो मेरा चैनल आशु व्लॉगर। सो गाइस, आज की वीडियो में क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, जो मेरी बुलेट है काफी दिन से खड़ी हुई है नीचे पार्किंग में और मैंने उसको अभी स्टार्ट नहीं किया है। मैंने लास्ट टाइम उसको पेट्रोल फिल करा के खड़ी कर दी थी और अभी वैसे अंदर खड़ी होती है तो अभी ज्यादा डस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा सा मार्केट का एक राउंड भी लूंगा, थोड़ा मूवमेंट भी हो जाएगा और मुझे मार्केट में कुछ काम भी, और आपको छोटा सा मोटो व्लॉग भी दिखा दूंगा। तो ठीक है गाइस, आज ही करते हैं वीडियो स्टार्ट। गाइस मैं हो गया हूँ रेडी मोटो व्लॉगिंग के लिए, लेकिन अभी जो है मेरा हेलमेट पड़ा हुआ है काफी टाइम से, तो उस पर डस्ट वगैरह हो गई होगी और उस पर माउंट वगैरह, कैमरा भी माउंट वगैरह नहीं है, वो भी करना है। तो ठीक है, पहले कैमरा वगैरह माउंट करते हैं, हेलमेट को साफ करते हैं, फिर चलते हैं मार्केट। मार्केट में मुझे काम है इजी डे में, अगर वहां पे ज्यादा क्राउड नहीं हुआ तो ही मैं वहां से कुछ सामान लूंगा, अदरवाइज मैं वहां से कुछ सामान लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि लाइंस लगी होंगी लंबी लंबी और गर्मी है ज्यादा और ऐसे में बाहर ज्यादा देर तक रुकना भी ठीक नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं, पहले हेलमेट को साफ करते हैं, माउंट करते हैं कैमरा, फिर चलते हैं मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। रखा है मेरा हेलमेट यहीं कहीं पर, ये रहा, ठीक है। तो ये छुपा हुआ हेलमेट, ठीक है, तो पहले इसको निकाल लेता हूं। तो ठीक है गाइस, ये रहा हेलमेट, इसकी कंडीशन देख सकते हो आप, ये देखो इतना बुरा, कितनी डस्ट वगैरह हो रही है सामने, और ये रहा माउंट। अभी इस पर कैमरा भी लगा दूंगा मैं, सामने भी इसकी कंडीशन है ज्यादा ही खराब हो रही है, तो पहले इसे क्लीन कर लेते हैं फिर इसे माउंट करेंगे कैमरे। तो पॉलिंग से कर लेता हूँ साफ, पहले पॉलिंग कर लेता हूँ अच्छे से, फिर इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। दिन हो गए थे इसको रखे हुए, तो ज्यादा ही मिट्टी चढ़ गई इसके ऊपर। तो ठीक है गाइस, अभी हेलमेट कर लिया मैंने साफ, और उससे माउंट करना है कैमरा। कैमरा मेरा लगा हुआ है वहां चार्जिंग पर, तो सूट में चलते हैं वहीं पे लगाते हैं कैमरा, देखते हैं कितना चार्ज हुआ नहीं हुआ, फिर इसको माउंट करके चलते हैं फोटो ब्लॉक करने के लिए। इसको रखता हूँ मैं यहाँ बेड पर, और ये देखो ये लगा हुआ है मेरा SJ Cam 5000 Elite। इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और 4K में भी रिकॉर्डिंग है इसमें, बजट के अंदर ये बहुत अच्छा कैमरा है मोटो व्लॉग के लिए। तो अभी चार्जिंग हो गई है इसकी, इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बताऊँ। और ये रखा हुआ है मेरा कैमरा, इसमें जो है इसका जो मेमोरी कार्ड है वो मेरे इस कैमरे के अंदर है, तो पहले इसमें से इस मेमोरी कार्ड निकाल के इसमें डाल देता हूँ, उसके बाद ये काम करेगा, ठीक है। तो इस कैमरे में से मेमोरी कार्ड निकाल लेता हूँ। और गाइज ये है मेरी सीडीज गेम्स की, ठीक है, जो लॉकडाउन में पास टाइम पास के लिए मैं खेलता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी है ये, और ये है पबजी। पबजी मैं ज़्यादा खेलता हूँ, इस ये गेम का मैं ऑलरेडी एंड कर चुका हूँ, और ये पबजी का कोई एंड नहीं क्योंकि ऑनलाइन गेम है ये। तो ठीक है गाइज, अब इसको पहले माउंट कर लेते हैं हेलमेट में कैमरे को, क्योंकि चार्ज हो गया है वो, उसमें माउंट करके फिर देखते हैं कैसे काम करते हैं, क्योंकि इसका ना अभी मेरे पास जो है कुछ माउंट वगैरह है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन से माउंट्स हैं। ये SJ Cam का एक बॉक्स है जो मेरे को उसके साथ में मिला था, ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक तो ये इसका कवर ही है, ये कवर होता है इसका, साथ में कुछ माउंट्स वगैरह मिले हुए हैं मेरे को, इनका अभी तक मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है, क्या है क्या नहीं है। ये 3M की टेप भी लगी हुई है इसमें, ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये जो है ये J माउंट वाला है, तो इसी को मैं आज यूज करने वाला हूँ मोटो व्लॉगिंग के लिए। इसको माउंट करते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता आपका, माउंट करके फिर चलते हैं मोटो व्लॉगिंग के लिए।
ठीक है गाइस, फाइनली मैंने जो है अपना कैमरा लगा लिया हेलमेट के ऊपर, और मैंने इसमें जो लगाया है वो लगाया है जे माउंट। इससे क्या है ना, ये एडजस्टेबल होता है ऊपर नीचे, आपको एंगल एडजस्ट करने में आसानी होती है इसमें। तो ठीक है, फाइनली वो टाइम आ गया है जो आज मैं अपनी बुलेट जो है बाहर निकालने वाला हूँ, छोटा सा मोटो ब्लॉग करते हैं। तो ठीक है, चलते हैं गाइस, ज्यादा टाइम नहीं लेता, आप चलते हैं जल्दी से और करते हैं मोटो ब्लॉग स्टार्ट। कुछ सुनाई दे रहा है, एक चल के देख। बारिश यार। सो गाइस, अभी हो गई बारिश स्टार्ट, तो मैंने जैसे ही अपना सेटअप किया मोटो ब्लॉग के लिए और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई है। बट कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितनी देर तक होती है, बट मोटो ब्लॉगिंग करूँगा ज़रूर। देख लो एक बार, देख रहे हो तो ये बारिश, वाह। बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं फिर करेंगे मोटो ब्लॉगिंग, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, बारिश का तो अभी तो अपने हाथ में नहीं है, वेट कर लेंगे, जैसे बंद होगी फिर चलेंगे मोटो ब्लॉग करने के लिए। The next day. Hello guys, welcome back. So guys, आज है next day. कल बारिश की वजह से मोटो ब्लॉग नहीं हो पाया था, तो आज नया दिन, नई शुरुआत करते हैं। पहले बार वेदर देखते हैं कैसा है, फिर चलते हैं मोटो ब्लॉगिंग। सबके कल जो है बारिश की वजह से मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर पाया था, तो अभी मैं आया ऊपर, मैंने देखा कि वेदर है काफी अच्छा, तो आज मोटो ब्लॉग किया जा सकता है। अभी जो टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 3:30, ठीक है, और अभी है धूप है काफी तेज, देख रहे हो। बट कोई दिक्कत नहीं है, मोटो ब्लॉग करने चलते हैं, छोटा सा मोटो ब्लॉग करेंगे और फिर घर आते हैं, ठीक है, चलो चलते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी स्टार्ट करता हूँ बाइक, तो भी कंडीशन देख लो बाइक की एक बार, वैसा ऐसा लग रहा है अभी रेगिस्तान से आई है, देख रहे हो कंडीशन, डस्टी डस्ट। और ये जो मेरी बाइक है, एक मिनट, ये जो मेरी बाइक है, ये मैंने चला दी अभी 11,000, ठीक है, वाह। ये देखो चेन वगैरह अभी ल्यूब नहीं है, सारी गंदी वगैरह हो रही है, तो उसको भी ल्यूब करेंगे। तो चलो करता हूँ स्टार्ट, ठीक है, एक ही एक सेल्फ में अच्छी बात है। चलो चले, हाँ। तो ठीक है गाइस, आज जा रहा हूँ मैं मोटो व्लॉग करने, दिक्कत क्या है, काफी दिन के बाद चला रहा हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है चलाते हुए, कोई हवाबाजी नहीं कि हाँ बहुत ये हो गया वो हो गया, ठीक है, नॉर्मल है, मजा आ रहा है चलाने में। और अभी मैं रोड पे आया हूँ, तो देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रैफिक तो है अभी काफी है, मिरर सेट कर लूँ यार, मिरर भी इतने गंदे हो रहे हैं, काफी टाइम से चला ही नहीं, तो एक रास्ता एक रोड बंद की हुई है, तो ये लोग जो है आ रहे हैं रॉन्ग साइड से, तो गाइस ये है हाल यहाँ लोकल एरिया का, हमारे कन्फेक्शनरी की शॉप्स वगैरह खुली हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं अभी। और हाँ यार, मज़ा आ रहा है काफ़ी दिन के बाद चलाने में बाइक का, और बुलेट को चलाने का तो मज़ा ही अलग है, मैंने और भी बाइक्स चलाई हैं लेकिन बुलेट को चला के तो अलग ही मज़ा आता है। तो अभी मेरे को इजी डे जाना है, इजी डे में अगर क्राउड हुआ तो नहीं जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो ही जाऊंगा, पहले देख लेता हूँ क्या क्या सिचुएशन है। और अभी इसमें मेरे को बाइक में हवा भी भरवानी है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले हवा ही भरवा लेता हूँ बाइक में,
तो चलता हूँ वापस यू टर्न लेके, पहले पेट्रोल पंप चलता हूँ, देखता हूँ हवा वाला है या नहीं है, हवा डलवाता हूँ, फिर उसके बाद ही जाऊँगा आगे। तो पहले जा रहा हूँ पेट्रोल पंप, काफ़ी टाइम से इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई थी बाइक में, तो बैटरी वगैरह डिस्चार्ज होने का भी डर है। अरे यार यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, लॉकडाउन खुल गया क्या? लोग कहते थे कि परमाणु से दुनिया खत्म हो जाएगी, या परमाणु छोड़ो, एक कीटाणु ने बुरा हाल कर दिया सबका। तो बस यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते ही है पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप से अगर हवा वाला हुआ तो हवा डलवाता हूँ, नहीं हुआ तो फिर वापस मार्केट जाऊँगा। है तो सही हवा वाला दिख रहा है मेरे को, क्राउड भी है। सो अभी यार यहाँ तो क्राउड हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हवा वाली इस पर, तो कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आज मैं चलता हूँ वापस ही, ईजी डे चलते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं काम बनता है या नहीं। डलवाओ भैया तुम लोग, डलवाओ तो घूमो, मौज मारो। मज़ा ही आ गया। तो यहाँ है चेकिंग तगड़ी, बट कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी चाहिए, अपनी सेफ्टी है। अरे भाई आगे देख, पार्क में घूम रहा है क्या लवन्ना? तो मैं ज़्यादा क्राउड में नहीं जाऊंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखूंगा, किसी से कांटेक्ट में नहीं आऊंगा, अगर वहाँ पे जगह हुई इजी डे में तो ही जाऊंगा, वरना तो दूर से ही भाग जाऊंगा वापस। ओए ओए क्या मज़ा आ रहा है यार, ऐसी रोड्स होनी चाहिए, मन कर रहा है सीधा ट्रिप पे निकल जाऊँ, लॉन्ग ट्रिप पे सीधा ऋषिकेश जाऊँ, गंगा मैया की डुबकी मारूँ, मज़ा ही आ जाए। लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएंगे वापस, जब ट्रिप पे जा पाएंगे। मैंने प्लान किया था ऋषिकेश जाने के लिए, मैंने सोचा चलो यार ऋषिकेश जाता हूँ, ट्रिप करके आता हूँ। लास्ट ट्रिप जो मैं इसमें करके आया हूँ वो वृंदावन की करके आया था, तो उसके बाद मैंने सोचा था ऋषिकेश जाऊँगा। जब मैंने प्लान वगैरह कर लिया सोचे, इस बार मैंने सोचा था कि सोलो राइड करूँगा, और जैसे ही प्लान किया और ये लॉकडाउन का सीन हो गया, तो राइड तो रह गई अभी, बट कोई बात नहीं, जल्दी ये सब सीन खत्म हो जाए तो फिर जाऊंगा, मैं पक्का जाऊंगा। तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। ये देख अपनी धुन में चल रहा है, तो आगे से तो मुझे ये लग रहा है रास्ता बंद, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इजी डे भी जा पाऊंगा, निकलना हुआ है बेकार। ये देख रहे हो सारा रास्ता है बंद, सामने से देख रहे हो ये रास्ता बंद कर रखा है, ये वाला एरिया बंद है और ये वाला भी एरिया बंद है, तो यहाँ पे अगर आपको जाना है तो बाइक छोड़ के यहाँ पे उतर के फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो अभी इजी डे में भी मेरे को क्राउड दिख रहा है, तो अभी कोई फायदा नहीं वहाँ जाने का, तो वापस ही चलता हूँ। तो हवा भरवाने जानी थी वो भी बेकार हो गई, और इजी डे जाना था वो भी बेकार। कोई बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं थी मुझे लेनी, बट मैंने सोचा था कि जाऊँगा तो कुछ जो है ठंडी ड्रिंक्स वगैरह ले लूँगा वहाँ से, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ले लूँगा, कुछ जूसेस वगैरह ले लूँगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं वहाँ जाने का। स्कूटी में घुसा दी गाड़ी, खाली रोड पे भी एक्सीडेंट मार रहे हैं लोग, मुझे तो समझ नहीं आ रहा टीके चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बर्गर सिंह, चलो बढ़िया। तो
भाई अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस वाले भी यहाँ पे हैं ताकि कोई फालतू में ना घूमे। मेरी तरह वैसे जब मैं रिस्क ले रहा हूँ घूमने का, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ले रहा हूँ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से तो आपको एंटरटेन करना है। तो सारी शॉप्स हैं बंद, कुछ शॉप्स खुली हैं एसेंशियल सर्विस, और लेकिन मैं ये पंखे वगैरह कूलर वगैरह की शॉप्स भी खुली हैं कुछ। हट जाओ, अरे भाई जेसीबी की खुदाई। चलो आज नैनो से रेस लगाते हैं, नैनो और बुलेट की रेस हो जाए। चलो ठीक है, देखते हैं नैनो जीतती है कि मैं। अब ये नैनो जीतेगी या बुलेट जीतेगी ये देखते हैं। ओहो ये तो मुड़ गया, लो मैं जीत गया, यस मैं जीता हूँ। सो ये पुलिस वाले अंकल ने रोकी है एक बाइक गाड़ी, ठीक है। तो ये हो रही है चेकिंग यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया है। ये रोक दी यहाँ पे इन्होंने गाड़ी। और ये है पतंजलि मेगा स्टोर। तो भाई मेरे को देख के कोई बाहर मत निकल जाना, जोश में मत आ जाना, मैं पूरे प्रिकॉशन लेके आया हूँ। तो अपने हैंड को सैनिटाइज करके आया हूँ, मुंह पे मेरे जो है पूरा पैक है, मैं मतलब पैक होके आया हूँ बिल्कुल। हेलमेट है, फिर हेलमेट के नीचे मेरा मास्क है। जोमेटो वाले यार इनकी बड़ी हार्ड जॉब है। यहाँ पे भी बैरिकेडिंग फुल है। हम मिले थोड़ी खाली रोड पकड़ने। बस यहीं से लेता हूँ यूटर्न, बहुत है, ज़्यादा घूमना भी ठीक नहीं है बाहर। वापस चलते हैं अब घर की तरफ, अभी यहाँ से घर भी काफ़ी दूर है। तो ये देखो यहाँ पे तो ठेके हैं बंद, दिल्ली में कल घूम गए थे और हो गया था बुरा हाल। राशन के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन ठेके खुलते ही 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। वो लो यार बाइक भी रिजर्व पे लग गई, अब तो चला नहीं रहा इसको मैं। बंद है ये पूरी, कंप्यूटर मार्केट है, कंप्यूटर लैपटॉप्स की शॉप्स हैं यहाँ, सब बंद है। अब तो यार ये हो रहा है कि बस फटाफट से कोरोना जाए, लॉकडाउन खत्म हो और कहीं निकले, क्योंकि अभी पोल्यूशन भी है कम, वेदर भी अच्छा हो रहा है, तो कहीं भी जा सकते हैं। मतलब मज़ा ही आने वाला है, ऋषिकेश जाओ कैंपिंग करो अपना फुल मज़ा। तो ठीक है गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और अब बात करते हैं घर चल के। सो यहाँ से यू टर्न लेके बस मेरा घर आने वाला है। अभी कुछ लोग पीछे देख रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है बंदा, अब उन्हें क्या बताएं कि हम क्या कर रहे हैं।
यो सो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं दोबारा ऐसी एक और अच्छी वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।